तिब्बत की आजादी के लिए अमेरिकी संसद ने बिल पास कर दिया है। दलाई लामा समर्थकों में जश्न का माहौल है और अब भारतीय सेना तिब्बत पर चढ़ाई करने के मूड में है। किसी जमाने में एक सैनिक का भेष धारण करके तिब्बत से भागकर दलाई लामा भारत में शरण लेने आए थे, लेकिन शायद अब उनके वनवास का वक्त पूरा हो चुका है। भारतीय सेना पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुकी है और अब अमेरिका ने नया बिल पास करके तिब्बत की आजादी का शंखनाद कर दिया है। किसी जमाने में अमेरिकी ताकत का इस्तेमाल करके चीन ने तिब्बत और हमारे अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त हमारी सेना काफी कमजोर हुआ करती थी। भारत के साथ चीन ने विश्वासघात किया था, लेकिन अब बदला लेने का समय आ चुका है और भारतीय सेना कमर कस चुकी है। समय बदल चुका है और अमेरिका जैसा महाशक्ति भारत के पाले में खड़ा हुआ है। तिब्बत पर नया बिल पास करके अमेरिका ने चीन के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। यह वीडियो अंत तक देख लेना काफी जरूरी है, क्योंकि 1962 में भारत ने जो जमीन खोया था, अब उसे वापस पाने का सुनहरा अवसर मिला है। दलाई लामा समर्थकों का पिछले 70 सालों से जारी संघर्ष को अब जीत मिलने वाली है, क्योंकि तिब्बत आजाद होने जा रहा है और इसी के साथ भारतीय सेना अक्साई चीन पर भी जीत हासिल कर लेगी, क्योंकि हमारी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। जियोपॉलिटिक्स में भी हमारा डंका बज रहा है। विकासवाद की दुनिया का अगला नायक भारत है, इसमें कोई शक नहीं। भारत उस कृष्ण को पूजता है जो बांसुरी बजाते हैं, लेकिन यही कृष्ण सुदर्शन चक्र से बुराइयों का संहार भी करते हैं। और ये लाइन किसी और ने नहीं, बल्कि भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक बन चुके नरेंद्र मोदी की है, जिन्होंने गलवान घाटी में चीन के साथ हुए खूनी संघर्ष के बाद इसको कहा था। हालांकि पीएम मोदी ने अपने संदेश में किसी एक देश का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन यह बच्चा बच्चा जानता है कि उनका इशारा विस्तारवादी ताकतों की तरफ था, जिसका अगुवा चीन है। इस वीडियो में आपको बेहद विस्तार से बताएंगे आखिर कैसे भारत और अमेरिका ने मिलकर तिब्बत में चीन का पोस्टमार्टम करने की तैयारी कर ली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द 1962 सिनो इंडियन वॉर? इसके ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सही जवाब आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। यूएस हाउस पासेज तिब्बत एक्ट। दोस्तों, अमेरिका में चीन के खिलाफ फिर से शंखनाद हुआ है और बिगुल बज गया है। हाल ही में अमेरिका ने संसद में एक बिल को बढ़ाकर ऐसी चिंगारी को हवा दे दी है जो अब चीन को लेकर ही डूबेगी। CNBC, बिजनेस स्टैंडर्ड और हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी लोकसभा ने तिब्बत को लेकर एक ऐसा बिल पास किया है। इस बिल के पास हो जाने से अब तिब्बत की आजादी के लिए एक नई ताकत मिली है और यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब तक चीन तिब्बत को अपने देश का हिस्सा मानता रहा है, वह तिब्बती नेताओं के साथ बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं होता, लेकिन अब अमेरिका ने बिल पास करके चीन को मजबूर कर दिया है ताकि वह तिब्बती नेताओं के साथ डायलॉग के जरिए तिब्बत का हल निकाले। अमेरिका ने जो बिल पास किया है, जिसे रिसोल्व तिब्बत एक्ट भी कहा जाता है, यह चीन पर दबाव डालता है ताकि वे दलाई लामा के समर्थकों के साथ साथ तिब्बत के लोकतांत्रिक नेताओं के साथ फिर से बातचीत शुरू करें। यह विधेयक चीन की वन चाइना पॉलिसी को सीधी चुनौती है। यह बिल चीन के इस दावे को खारिज करता है कि तिब्बत हमेशा से चीन का हिस्सा रहा। तिब्बत के बारे में चीन ने बहुत सारी गलत जानकारियां फैलाई है। अब उस मिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला करने के लिए यह बिल रामबाण साबित होगा। साल 2010 से ही चीन दलाई लामा और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत में शामिल होने से इनकार करता आया है। चीन ने अपनी ताकत और बल का प्रयोग करके कई सारे डिस इन्फॉर्मेशन अभियान चलाकर तिब्बत के ओरिजिनल इतिहास को डिफॉर्म करने की पूरी कोशिश की है। चीन ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके कई बार तिब्बत में मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध किए हैं। अमेरिका द्वारा पास किया गया यह बिल अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मजबूर करेगा ताकि वे टेबल पर आकर डायलॉग के जरिए तिब्बत चीन विवाद का हल निकालें। व्हाई यूएसए सपोर्ट्स तिब्बत? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका अचानक तिब्बत मुद्दे को क्यों उठाने लगा है, क्योंकि अमेरिका पिछले कई दशकों से तिब्बत मुद्दे पर चीन का समर्थन करता है। दशकों से अमेरिका तिब्बत के मुद्दे पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की भाषा बोलता रहा था।
तिब्बत पर चीन की हां में हां मिलाकर अमेरिका एक ताकतवर देश तक अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता था। सबको लगा था कि बाइडेन के दौर में भी यह जारी रहेगा, लेकिन जो बाइडेन के सत्ता में आने के कुछ महीने बाद ही अमेरिकी विदेश विभाग की कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स में तिब्बत चीन का अंग है वाला हिस्सा हटा दिया। यह एक बड़ा परिवर्तन था। अब अचानक तिब्बत मुद्दे पर बिल पास करके अमेरिका चीन को क्या दिखाना चाहता है? क्या अब अमेरिका का चीन से मतलब पूरा हो चुका है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में अमेरिका अपने मोनोपोली को मेंटेन रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। 1990 के दशक में सोवियत यूनियन को तोड़कर अमेरिका दुनिया का बेताज बादशाह बन गया था। इसके बाद अमेरिका की मदद से चीन की जबरदस्त आर्थिक तरक्की हुई थी, लेकिन अब चीन इतना बड़ा बन चुका है जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। इसी कारण चीन को औकात में रखने के लिए अमेरिका तिब्बत, ताइवान, सिंजियांग, हांगकांग और साउथ चाइना सी में समय समय पर धमाका करता रहता है। इसी कारण भारत भी चीन के खिलाफ फुल फॉर्म में नजर आता है। सालों से यूएस कांग्रेस ने तिब्बती लोगों के समर्थन में कई एक्ट्स और रेजोल्यूशंस पास किए हैं। यह कानूनी कदम अक्सर तिब्बती लोगों के अधिकारों और संस्कृति की सुरक्षा की मांग करते हैं, और साथ ही ऐसा करके अमेरिका चीन पर इनडायरेक्ट कंट्रोल स्थापित करता है। जियोपॉलिटिक्स के जानकारों को यह अच्छे से पता है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति मुख्य रूप से कुछ एजेंडों पर केंद्रित होती है। इसके तीन मेन पिलर्स हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमी और ह्यूमन राइट्स। इन्हीं तीन मुख्य एजेंडों के तहत अमेरिका पूरे दुनिया पर बादशाह बना हुआ है। सिक्योरिटी और इकोनॉमी के मामले में अमेरिका को चीन से चुनौती मिल रही है, इसलिए अब वह ह्यूमन राइट्स का इस्तेमाल करके चीन पर नकेल कसना चाहता है। अगर सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की बात की जाए तो अमेरिका चाहता है कि दुनिया में शांति बनी रहे ताकि उसके लोग और उसके मित्र देश सुरक्षित रहे, लेकिन चीन और रूस की दोस्ती अमेरिकी सुरक्षा के लिए मुसीबत बनी है। इस कारण उसने तिब्बत कार्ड खेला है। इससे ग्लोबल स्टेज पर चीन के ग्रोविंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भी अमेरिका को नई ताकत मिलेगी। अगर इकोनॉमी की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिका अपनी लीडरशिप बनाए रखना चाहता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन का वर्चस्व अमेरिका से देखा नहीं जाता, इसलिए वह तिब्बत जैसे कार्ड खेलता है ताकि इन्वेस्टर्स के दिल में चीन का रेपुटेशन खराब किया जा सके और विदेशी कंपनियां चीन में फैक्ट्री सेटअप करने से पहले 10 बार सोचें। चीन ने 2020 में 100 करोड़ टन से अधिक स्टील का उत्पादन किया, जबकि 90 के दशक में यह आंकड़ा महज 10 टन था। बीते 3 दशकों में चीन की आर्थिक रफ्तार ने उसे अमेरिका के सामने खड़ा कर दिया है। अगर ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार की बात की जाए तो डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करना ही उसके एजेंडे का एक बड़ा हिस्सा है। अमेरिका दुनिया भर में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, इस कारण भी उसके लिए तिब्बत कार्ड खेलना अनिवार्य हो जाता है। तिब्बत में चीन के अत्याचारों को झेलने वाले लोगों का साथ देकर अमेरिका दुनिया का मसीहा बनना चाहता है। जानकारों का यह भी कहना है कि चीन में मानवाधिकारों का हनन कोई बड़ी बात तो नहीं है। पिछले कुछ सालों से चीन और पश्चिमी देशों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद चीन खुलकर रूस के सपोर्ट में खड़ा है, और इसी कारण अमेरिका जानबूझकर तिब्बत कार्ड को हवा दे रहा है। साल 2020 में भी अमेरिका ने टिबेटन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पास कर दिया था। इस एक्ट को पास करके अमेरिका ने साफ कर दिया था कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने के अधिकार में चीनी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आइए अब आपको सवाल का जवाब देते हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। द मेन कॉज ऑफ द 1962 सीनो इंडियन वॉर वाज डिस्प्यूट्स ओवर द मैकमोहन लाइन। दोस्तों आप नीचे कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या हमें ऐसे ही और वीडियो बनानी चाहिए। आप हमें नीचे कमेंट में टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।